आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। हम बात करेंगे दोस्तों आज सितंबर मसाकर की। बड़ा प्यारा महीना होता है सितंबर भारत में, तो इसके बाद सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, सर्दियों का आगमन हो जाता है, गर्मियों से छुटकारा मिलता है। बहुत ही जबरदस्त महीना होता है सितंबर। लेकिन इसी फेस्टिव सीजन के पहले, सितंबर के पहले मतलब सितंबर में, फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की हालत खराब हो गई। काफी लोगों को मार दिया गया था, रेवोल्यूशन का एरा था, और इस रेवोल्यूशन के दौरान जितने भी प्रीस्ट होते थे, कैदी होते थे, जो भी सरकार को अपोज करते थे, सबको उड़ा दिया गया था। इसी सितंबर में ही फ्रांस एक रिपब्लिक प्रोक्लेम हो गया था, 1792 की ये बात है। और इसी सितंबर में ही 22 सितंबर को फ्रांस एक पूरा रिपब्लिक फ्रेम हुआ था, और 2 से 7 सितंबर तक 15 दिन पहले ये सारे मसाकर्स चले थे। हम एक एक चीज देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो मेरे फेसबुक पेज @ecconnect या मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, दोनों जगह पूछ सकते हैं। खजाना लाए हैं हम 22,500 रुपए में कॉम्प्रीहेंसिव यूपीएससी का प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव, कोर्स अवेलेबल है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करिए। साथ ही साथ अगर आप एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो भी आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। 50% ऑफ है 23 सितंबर तक हर कोर्स पे। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए, फिर वेबसाइट विजिट करिए। तो आगे बढ़ते हैं भैया, देख लीजिए, ये रहा यूरोप, ये रहा फ्रांस, और ये हमारा प्यारा भारत। देखिए, फ्रांस जो है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, चार चांद लगा था यूरोप में। वैसे तो पूरा यूरोप ही बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देख लीजिए, जूम इंड मैप है, पेरिस यहाँ की कैपिटल है, और पेरिस में है एफिल टावर, टूरिस्ट स्पॉट है, हर साल भर भर के यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही अच्छा इनके, मतलब जो फ्रांस की सरकार है उनके लिए तो अच्छी खासी कमाई होती है, बहुत ज्यादा खाली टूरिज्म से ही बहुत ज्यादा अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, तो पेरिस में बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, खूबसूरती निकालते हैं। फ्रांस के सारे ही शहर बहुत अच्छे हैं, चाहे लोरे हो, चाहे लियोन हो, बहुत ही सुंदर शहर है। आप अगल बगल देश देखिए, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, तो ज्यादा दूर नहीं है, सब बॉर्डर स्टेट्स हैं और सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप की खूबसूरती के क्या कहने, बगल में है अटलांटिक ओशन, सबसे बिजी ओशन है ये, ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर है मेडिटेरेनियन सी, इधर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो यहां पे आता है रेड सी। चलिए, मेरा पहला सवाल, वो कौन सा कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है? रेड सी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। ये जो कैनाल की मैं बात कर रहा हूं, जिसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। और यहां पे देखिए, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ दो, आप पहुंच जाएंगे एशिया से अफ्रीका। अब अगर यहां पे आप मेडिटेरेनियन सी पहुंच गए, तो बगल में अटलांटिक ओशन, खुल गया पूरा का पूरा ट्रेड, आपका ट्रेड पूरा यहीं से होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखिएगा और सवाल बताइए, जवाब दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें, हमने इसके टूरिज्म की तो काफी बात कर ली, लेकिन इस प्यारे से देश की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही दर्दनाक भी है। फ्रांस ने भी काफी ज्यादा जुल्म किए हैं, जैसे ब्रिटिश ने किए हैं। दो बहुत बड़ी पावर यूरोप में, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश, ठीक है, ये क्या करते थे, दूसरे देशों को कॉलोनाइज करते थे, अफ्रीका, एशिया, यहां पे सब जगह अपनी कॉलोनी बनाते थे और उनके वेल्थ लूट के ले जाते थे और अपने देश में लगा देते थे। ये इनका पूरा स्ट्रेटजी रही है। अब दो बिल्लियां हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगी, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश, हमेशा से ही ये जंग रही है। ब्रिटिश इसमें मैक्सिमम टाइम जीता है, फ्रांस को हराने में सफल रहा है, क्योंकि वो वेल्थ वाइज और उनकी जो सेना थी और जो स्ट्रेटजीज थी, वो फ्रांस से काफी बढ़िया रहती थी, इसलिए हमेशा जो ब्रिटिश है वो फ्रांस के ऊपर भारी पड़ा है। फ्रांस ने क्या किया, यहां पे 843 में मोनार्की यहां पे थी, ठीक है, मोनार्की प्रोक्लेम हुई, राजाओं का रूल यहां से 843 से शुरू हुआ और ये चला 1792 तक, 1792 तक चला। सितंबर 1792 में फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया कि अब आप किसी भी राजा के अंदर नहीं है, आप अपना कानून बनाइए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। और इसमें इसी बीच आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, 1789 की एरा की बात है, 1789 में कुछ ऐसा हो गया जो पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था, फ्रांस में आ गई क्रांति। ठीक है, राजा
देखिए क्रांति कब आती है, जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं हो। यहां जो राजा थे, फ्रांस में जो राजा थे, आराम से खाते थे। उस समय जो राजा थे उनका नाम था लुई 16, ठीक है, आराम से खाते पीते थे, जनता की फिक्र नहीं थी। लोग मूड खराब हो गया लोगों का, लोगों ने क्रांति कर दी। 1789 से लेकर 1799 तक ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन चला है, और नेपोलियन बोनापार्टे फिर 1804 में इनका कोरोनेशन हो गया, और उसके बाद फिर इनकी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई, और उसके बाद फिर एक अलग ही कहानी है। नेपोलियन बोनापार्टे की भी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, आप देखिएगा, ठीक है। इसी बीच 3 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे फ्रांस के लोग सिहर गए, बहुत सारे लोगों का कत्ले आम, ठीक है। अब कहानी क्या है देखिए, एक ग्रुप 1789, ठीक है, यहां पे एक ग्रुप है जेकोबियन। अब ये जेकोबियन का उदय होता है। अच्छा, उदय क्यों होता है और लोग इतना परेशान क्यों थे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले फ्रांस और ब्रिटिश एक युद्ध लड़के आए थे, बहुत ज्यादा बड़ा, जिसको हम कहते हैं 7 ईयर्स वॉर। इसको वर्ल्ड वॉर जीरो भी बोला जाता है। आपको पता है 5 कॉन्टिनेंट्स ने हिस्सा लिया था, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश के बीच जंग थी, और ब्रिटिश की जो थी वो इसमें जीत हुई थी, ठीक है। तो ये चीज थी, 7 ईयर वॉर, 7 साल तक ये वॉर लड़के आया, फ्रांस और ब्रिटिश लड़के आए थे, ब्रिटिश जीता था, फ्रांस हार गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस पूरी तरह से डेप्ट में चला गया, उधार। भैया देखो, युद्ध होगा, पैसे आने चाहिए, तभी तो आप युद्ध लड़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस का नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, यही फ्रांस में हुआ। लोग भूखे मरने लगे, एग्रीकल्चर पूरा एकदम, जो हार्वेस्टिंग सीजन था वो पूरा नीचे चला गया, ठीक है। जब कुछ इतनी ज्यादा बुरी चीजें होती है ना, तो एक साथ सारी मुसीबतें कूद पड़ती हैं। इस डेप्ट को भरने के लिए, इस उधार को या फ्रांस की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आप और टैक्सेस लगा रहे हैं, लोगों का हो गया दिमाग खराब, ठीक है। तो एक ग्रुप की स्थापना हुई जिसका नाम था जेकोबियन। अब ये जेकोबियन क्या था, ये उन लोगों का ग्रुप था जो इन ये राजाओं के खिलाफ खड़ा था, ठीक है। जेकोबियन ग्रुप का जो जन्म था वो 1789 में हुआ था, और 1794 में इनको बैन कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने भयंकर तरीके से ऑपोजिशन को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या था कि जेकोबियन जब उठा तो इसने काफी कुछ करना शुरू किया, काफी वॉर्स हुए। 1789 से ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और किंग लुई द 16th को भी ये पता चल गया कि अब मैं बचूंगा नहीं बहुत दिनों तक, बेहतर है यहां से निकल लो। अब इस जेकोबियन को, इस जेकोबियन ग्रुप को साथ मिला रॉबर्ट मैक्सिमिलियन पियरे, ठीक है, रॉबर्ट पियरे का इसको साथ मिला। रॉबर्ट पियरे एक बेहतरीन पॉलिटिशियन लॉयर थे, जिन्होंने इस पूरे जो मूवमेंट है इसको लीड किया, और भयंकर तरीके से इस मोनार्की को ओवरथ्रो करने में कामयाब हुए। 1793 में किंग लुई की हत्या कर दी गई, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और पूरी ताकत जो थी वो रॉबर्ट पियरे और जेकोबियन के हाथ में आ गई थी। और उसके बाद फिर 1794 में जब इसको बैन किया, तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बन गई थी जो इस देश को चला रही थी, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि पेरिस कम्यून को जेकोबियन ने उखाड़ के फेंक दिया। ये पेरिस कम्यून क्या थी, जो उस समय देश को चला रही थी, सबसे ज्यादा पावर थी, उसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया। जेकोबियन के पास आ गई है ताकत। अब ये क्या करेंगे, जो उस समय राजा के बहुत ज्यादा करीबी हैं उनके ऊपर सीधे अटैक करेंगे, ठीक है। वैसे तो इनका नारा क्या था, इनका नारा था कि भैया डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ठीक है, हम पूरी तरह से डेमोक्रेटाइजेशन कर देंगे, यूनिवर्सल सफरेज का एडॉप्शन, जितना भी लोग पूरी दुनिया में इन देशों की वजह से, इन कैपिटलिस्ट देशों की वजह से, इन राजाओं की वजह से ये जो सफर कर रहे हैं ना, भुगत रहे हैं, बेटा गए तुम काम से, सारी सिविल जनता को, जितने भी आम लोग हैं उन सबको बंदूक दे दो। काफी लेफ्टिस्ट अप्रोच था ये, ठीक है। तो क्या था कि ये बिल्कुल आम लोगों की बात करती थी, ठीक है, हर चीज, जितनी भी नोबेल प्रिविलेज मिल रही है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लोग मर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री में हमेशा से कॉज एंड इफेक्ट्स की बात बहुत ज्यादा की जाती है। यहां कॉज क्या था, 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। अब इफेक्ट कब आया, 1789 में। यस, वैसे ये वॉर, अच्छा डेट तो मैं बतानी भूल गया, 1756 से लेकर 1763 तक ये 7 ईयर्स
आई एम रियली सॉरी, 1756 से लेकर 1763 तक ये वॉर चला था, 7 साल तक चला था, इसलिए बोला जाता है 7 ईयर्स वॉर। इसके ठीक बाद 20 सालों बाद मतलब 1776 में अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, अमेरिका ने भी अपनी आजादी ले ली थी। अब यहां पे आजादी की मांग उठनी शुरू हो गई थी फ्रांस में। देखिए क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज होती है पूरी दुनिया में तो उससे आप बच बिल्कुल भी नहीं सकते, है ना, तो आप कैसे बचेंगे, क्योंकि बगल में इतनी बड़ी क्रांति आ गई है, जो देश रूल कर रहे हैं सालों सालों से वो वहां से छोड़ के चले गए हैं, आपके देश में भी क्रांति आएगी है, तो निश्चित बात है, ठीक है। तो फ्रांस में भी इसकी मांग उठने लगी, अमेरिका में जब तक ये रेवोल्यूशन हुआ तब तक अमेरिका ने तो अपना कानून ही बना लिया था, ठीक है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था, तो यहां पे भी ये चीजें उठने लगी। तो डेमोक्रेटाइजेशन, यूनिवर्सल सफरेज, हर किसी को सिविल पॉपुलेशन को राइट्स दे दो, इलेक्शन होंगे, ये सब करेंगे, और जितने लोग आसानी से जिनको सत्ता मिल जाती है, राजा जो इतने सालों से राज कर रहे हैं, इन सारी नोबिलिटीज को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसमें हुआ क्या, पूरी दुनिया बैठ के देखेगी नहीं, फ्रांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री था, किंग लुई द 16th जिनकी अथॉरिटी थी उस समय वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको काफी देश सपोर्ट करेंगे और उनके बचाव में आएंगे, अगल बगल के जितने भी देश है उसमें बचाव में आएंगे, इनके बचाव के लिए उतरेंगे, यही चीज हुई, ठीक है, यही चीज हुई। अगस्त से शुरू होता है ये, ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर तक पूरी तरह से हत्याकांड ये शुरू होता है, क्योंकि जेकोबियन पावर में है और 1792 की बात है, 1789 से ये स्ट्रगल होता है और 1791 आते आते ये एकदम से स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है। तो 1792 में, अगस्त और सितंबर 1792 में सारे हत्याकांड शुरू होते हैं, जो भी जेकोबियंस के, जो भी पियरे के खिलाफ होते हैं, उन सबको उठा उठा के पकड़ा जाता है, एक तरह से सिविल वॉर की कंडीशन आ गई होती है आर्मी और जेकोबियंस और जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इन्हीं लोगों को बहुत ब्रूटली मारा गया था, इनका नाम है नॉन ज्यूरिंग प्रीस्ट। अच्छा ये कौन है, इनकी कहानी थोड़ी सी देखते हैं। एक एक्ट पास हुआ था 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई 1790 को एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें क्या था, देखिए ऐसा शक था कि ये जितने प्रीस्ट है ना, ये जितने भी पादरी हैं, ये सब किसको सपोर्ट करेंगे, राजा को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बोला था कि आपको ये ओथ लेनी है कि आप जो है हमारे साथ, ठीक है, आप फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ हो, आपको ये ओथ लेनी है। 50% लोगों ने तो ये ओथ ली, 50% लोगों ने तो ये ओथ ली, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नॉन ज्यूरिस्ट प्रीस्ट ने ये ओथ लेने से मना कर दिया। तो जिन प्रीस्ट ने इस चीज को सपोर्ट करने से, ये ओथ लेने से मना कर दिया, उनको बोला गया नॉन ज्यूरिंग प्रीस्ट, और जिन्होंने ले ली सपोर्ट हम देंगे इस पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट को, उनको बोला गया ज्यूरिंग प्रीस्ट, ठीक है। 50% थे, ठीक है, और 50% लोगों ने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मना किया, उन्होंने बोला कि ये तो भैया सपोर्ट कर रहे हैं जो भी राजा और जो भी जिस चीज को हम लाने की यहां पर फ्रांस में कोशिश कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है ये, इनको पकड़ के अंदर डाल दो। तो इन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना इन्होंने शुरू कर दिया। जेल में ऑलरेडी कैदी भरे हुए थे, जेल में कैदी भरे हुए थे, कैदियों को भी काफी, जो उस समय थी, उस समय जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये समझा कि यहां पे जो कैदी हैं ये भी हमारे खिलाफ एक दिन खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये भी जो इन्वेडिंग आर्मी है उसके साथ खड़े होंगे, इनको भी मारना शुरू कर दो। 2 सितंबर को एक और न्यूज आ गई, बगल में प्रूसिया है, उसकी आर्मी ने फ्रांस को इन्वेड कर दिया था कि वापस, अरे एक राजा दूसरे राजा का ही सपोर्ट करेगा, वापस फ्रांस में मोनार्की लाई जाए, एरिस्टोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए। 19 अगस्त की बात है और 2 सितंबर तक ये न्यूज आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, किला था वेडून में, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। फ्रांस वाले एकदम से हकपका गए, ठीक है, जेकोबियंस और जितने भी कम्यून्स ये सब एकदम से हकपका गए। इन्होंने कहा कि अब क्या करें, ठीक है, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि पहली बात, ये जो इन्वेजन हुआ है देश में, जिन जिन प्रीस्ट ने ओथ नहीं ली है, ठीक है, वो इनके साथ हैं, बहुत सारे लोग इस ड्यूक के साथ हैं, अगर अगर हम इन लोगों को नहीं दबाएंगे, इन लोगों को नहीं मारेंगे,
तो जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं उसमें ये लोग प्रॉब्लम करेंगे। क्या किया इन्होंने, मारना शुरू कर दिया। आधे कैदी जेलों की, जेल में जितनी पॉपुलेशन थी आधी पॉपुलेशन को ही साफ कर दिया, ठीक है, ऐसे हत्याकांड हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि रेवोल्यूशन तो आ रहा है यहां पे, लेकिन लोगों को, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट थे जिन्होंने ओथ ले रखी थी, जिन्होंने सरकार की मदद करने की बात की थी कि ठीक है जब फ्रांस स्टैब्लिश होगा, फ्रांस एक रिपब्लिक बनेगा तो हम साथ देंगे उसका और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, वो भी निपट गए इसमें, वो भी निपट गए। तो इतनी बुरी हालत थी यहां पे, ठीक है। तो 2 सितंबर को ये पूरा का पूरा वाक्या शुरू होता है, ठीक है। 150 प्रीस्ट तुरंत ही 2 सितंबर को मसाकर कर दिए जाते हैं। फिर 3 और 4 सितंबर तक जितने भी जेल खाने होते हैं, बस इस आधार पे कि इन्होंने उनकी मदद की है, इनको बस मारना शुरू करो, ठीक है। और ये भयंकर तरीके से मर्डर शुरू हो जाते हैं। 7 सितंबर तक आते आते 1400 प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और आसपास के एरिया में भी ये वॉयलेंस फैल गया था। अब क्या है कि यहाँ पे रेवोल्यूशन में यही दिक्कत होती है, अगर वो बहुत कंट्रोल्ड ना हो, अनकंट्रोल्ड रेवोल्यूशन हो तो गए काम से, यही चीज होती है। तो भयंकर तरीके से मारा गया और जो साइट थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा भयावह थी। काट दिया गया था बॉडीज को, म्यूटिलेट कर दिया गया था बॉडीज को, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अथॉरिटीज के खिलाफ जाने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस तरह से मारा गया था जितने भी प्रीस्ट थे और जो अगेंस्ट थे। अल्टीमेटली आपको क्या करना था, आपको रिपब्लिक एस्टैब्लिश करना था फ्रांस को, हम लड़के लेंगे फ्रांस शहर को इतने सालों से जो इतना ब्रूटल रूल चढ़ रहा है, आप हमारे खिलाफ खड़े हुए, आप तो गए काम से। और उसके 22 सितंबर को ही फ्रांस एक रिपब्लिक, मतलब फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया, ठीक है। और ये किस दौरान हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, डॉक्टर महिपाल सिंह सर द्वारा एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो बनाया गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 से लेकर 1799 तक चला था, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सितंबर 22 सितंबर 1792 में इस रिपब्लिक को क्लेम कर लिया गया था और जो प्रूशियन आर्मी थी उनको भगा दिया गया था। वैल्मी में विक्ट्री मिल गई थी फ्रांस को, बहुत बड़ी ये विक्ट्री थी और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। लुई द 16th को एग्जीक्यूट कर दिया था जनवरी आते आते 1793 में, 4 महीने बाद। अब उसके बाद जो जेकोबियन था, भयंकर तरीके से रॉबर्ट स्पियरे जेकोबियन 1793 से लेकर 1794 तक रेन ऑफ टेरर, जो भी हमारे खिलाफ है पकड़ पकड़ के मारो। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जब तक पूरी तरह से नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, ये इंटरमीडिएट गवर्नमेंट चलाओ, डी फैक्टो गवर्नमेंट, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ये चलाएगी, ठीक है। और इसने क्या किया, रेन ऑफ टेरर को जन्म दे दिया। 1794 में जेकोबियन को बैन कर दिया गया, 1794 में ही रॉबर्ट स्पियरे को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। और यहां से फिर नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री होती है, बड़ी चालाकी से उन्होंने सिविल वॉर को कंट्रोल करके पूरी सत्ता हथिया ली। और नेपोलियन बोनापार्टे का जो लेक्चर है, मैं ऑलरेडी उनकी बायोग्राफी पूरा का पूरा कवर कर चुका हूं और ये सारी चीजें मैंने उसमें भी समझाई है, लेकिन सितंबर मसाकर्स उसमें मैंने नहीं समझाया है, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें काफी खून खराबा हुआ इस रीन ऑफ टेरर में। सितंबर मसाकर्स के बाद भी जब फ्रेंच एक रिपब्लिक बन गया था, उसके बावजूद बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, काफी लोगों को मारा गया, 16 से लेकर 40,000 एरिस्टोक्रेट्स को मारा गया। ऐसा बोला जाता था कि ये सब दुश्मन हैं, ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, बड़े पढ़े लिखे जो लोग होते हैं और ये जो बहुत अमीर लोग हैं, इन्होंने राजाओं को सपोर्ट किया है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही भी है, ये नकारनी भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि लोगों को इतनी बुरी तरह दबाया जाता था, इतना उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था, पेजेंट्स तो उठ के खड़ा ही होगा ना, आप कब तक उसको दबाएंगे। और इसी में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और ये जो लहर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये सब कुछ उड़ा के ले गई। काफी लोगों को मारा गया, 40,000 तक लोग मारे गए थे इसमें, जिनको सस्पेक्टेड एनिमीज बोला गया था कि एनिमीज हो सकते हैं। और पूरी तरह से इमेंसिपेशन, फ्रीडम मिल गई, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, डेमोक्रेसी आई। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कि नेपोलियन बोनापार्टे आ गए 1804 में, वो फिर राजा हो गए और उसके बाद फिर एक अलग ही कहानी स्टार्ट हो गई है, वो फिर ब्रिटिश वॉर लड़े और ब्रिटिश ने फिर उनको खदेड़ दिया। तो ये चीज हुई थी फ्रांस में, एक रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी के लिए आता है लेकिन डेमोक्रेसी तो आती ही नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा ताकत जो होती है वो आर्मी के पास होती है, जिसके पास आर्मी वही जीतेगा,
नेपोलियन के पास आर्मी थी, सोल्जर था वो, और वही जीता, एक बहुत ही बढ़िया कमांडर था नेपोलियन, तो इसीलिए ही बहुत अच्छे से। लेकिन इस रेवोल्यूशन के दौरान खून खराबा तो बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज थी, आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सितंबर मैसेकर्स पे मैंने पूरा लेक्चर एक कर दिया है और इसको जरूर शेयर करिएगा। क्विक रिमाइंडर, एसएससी जूनियर इंजीनियर्स के इन सब्जेक्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इन कोर्सेज को अवेल करें और अपनी ड्रीम जॉब निकाल लें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोई भी लेक्चर के लिए, अगर किसी भी लेक्चर को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे फेसबुक पेज पे आप पूछ सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।